नमस्कार दोस्तों, जीवन सा न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं कृष्ण सिंह आप सबके हाजिर हूं आज एक बार फिर से एक ऐसे ज्वलंत मुद्दे के ऊपर जो कि अक्सर हिमाचल प्रदेश या देश में जो कि है एक बहुत ही बड़ा इशू है। तो मैं आज जहां मौजूद हूं जिला बिलासपुर की तहसील झंडूता के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत नगैरा मरूडा के तहत गाँव नगैरा में, जहां पे एक महिला जो है जिसको उसके सास ससुर द्वारा जो है उसको घर से निकाल दिया गया है। जब हम यहाँ पे पहुंचे तो हमने देखा कि जो महिला है वो उनके द्वारा जो कंप्लेंट की गई थी, तो हम यहाँ पे पहुंचे तो हमने देखा कि महिला जो है अपने मौसा मौसी के यहाँ कुछ मतलब पिछले कुछ महीनों से यहाँ पे रह रही है, क्योंकि उनको उनके ससुर द्वारा जो रात को वहां से घर से निकाल दिया था। जब हमने महिला जो ससुर जी है महिला के ससुर जी उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि महिला का जो है यहाँ पे इस घर पे कोई अधिकार नहीं। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जब वो शादी करके यहाँ पे ले आए थे तो क्या उन्होंने ये चीज देखी थी या उनको कही थी? तो आज तो उस महिला से हम आपकी पूरी बात कराएंगे, उनसे पूछें कि क्या कारण रहा इसके पीछे जो उनको इस तरह से जीवन यापन जीने पे उनके ससुर द्वारा जो मजबूर किया गया। तो पहले तो आप अपना नाम बताएं। सर आशा कुमारी सर जी, बताएं अपनी पूरी व्यथा रखें, अधिकारी प्रशासन तक पहुंचाएं कि आपके साथ क्या हुआ। सर मेरे सास ससुर जो है वो ताला लगाया हुआ घर में और मेरा पति जो है मारपीट वगैरह करता है, धक्का मुक्की, और 5 लाख रुपए मांगता है। कौन मांगता है? ये सास ससुर और पति। मतलब कब से हो रहा आपके साथ ये? सर 2 साल से हो रहा है, ऐसे बातें करते रहते हैं, गाली गलोच वगैरह मारपीट करते रहते हैं। तो आपने पंचायत में कोई कंप्लेंट दी इसके लेकर? सर दी थी, समझौते बहुत हुए और पुलिस वालों को भी मेरे को कहते हैं कि उनके साथ तेरे नजायज संबंध है। कौन बोलता है ये? नहीं करते हैं फिर इधर आके पुलिस वाले। किसने बोली ये बात आपको? मेरी सास ने और ससुर ने ऐसे कहा मेरे को। अच्छा, तो पंचायत ने समझौता करवाया था आपका, उसमें क्या था? सर उसने समझौता किया था और खर्चा लिख दिया था मेरे को 1000 रुपए दूंगा जी। फिर बाद में वो भी नहीं दे रहे हैं मेरे को 1000 रुपए जी। तो अभी आप क्या कहना चाहते, प्रशासन अधिकारी तक क्या कहना चाहते हैं आप? सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि ताला खुल जाए और मैं घर में रहना चाहती हूँ इधर जी मरूडा में। तो आपके पति से बात हुई आपकी? सर हुई बात, उसने भी ताला लगा दिया इधर और उसने भी ताला खुलवाया नहीं सास ससुर से। अच्छा, सास ससुर कहते हैं कि मैं घर से बेदखल कर दिया है इधर से। अच्छा, किसने बोला? मेरे सास ससुर। अच्छा, सास ने कहा ऐसे जी। तो और क्या कहना चाहते हैं आप? सर मैं ऐसा कहना चाहती हूँ कि ताला खुल जाए, यहाँ पे रहना चाहती हूँ। तो अभी हम ये जो महिला जो भी अपनी बात रखी इस बात को हम आपके बीच में रखेंगे एक बार फिर से, जहाँ पे इस महिला के जो मतलब जहाँ पे ये शादी करके आई है और जहाँ पे इनके सास ससुर द्वारा जिस घर में जो कमरे में ताला लगा है उसको भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक पंचायत का कारनामा दिखाना चाहता हूँ। ये कारनामा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पंचायत के द्वारा यहाँ पे समझौता करवाया गया था कि आपको जो है उन जो लड़के के साथ समझौता हुआ था, लड़के के सास पिताजी के साथ समझौता हुआ था इस महिला का कि ये जो महिला है जो इसको जो है कमरा दे दिया गया था पंचायत के में लिखित में हुआ ये समझौता मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। यहाँ पे जो पंचायत में लिखा था कि आपका जो ये एक कमरा दे दिया आपको खाने पीने संबंधी जो भी जरूरी वस्तुओं चाहे इलेक्ट्रिक बाथरूम जो भी है वो इसको जो भी डेली यूज होती है वो सब इनको यूज करने दी जाएगी। लेकिन पंचायत के समझौते को जो है इस व्यक्ति द्वारा जो है दरकिनार किया गया। लेकिन इसके बाद आखिर पंचायत क्या आप लोगों ने इसके पंचायत में कंप्लेंट दी थी समझौते होने के बाद? पहले मैंने कंप्लेंट दी थी और सास ससुर जो थे वो मेरे को लेटरिंग बाथरूम जाने नहीं देते थे और बाद में फिर पुलिस वाला ने कहा तो इन्होंने कहा कि जाने देंगे इधर। तो अभी ताला लगा दी उसके बाद फिर कंप्लेंट दी थी आपने पंचायत में? दी थी सर, पर क्या बोला पंचायत ने? देखा फिर पुलिस वाले भी चले गए इधर से, ताला नहीं खुलवाया इन्होंने? नहीं सर। तो मैं आपके बीच में दोस्तों ये बात रखना चाहता हूँ क्योंकि देखिए अगर पंचायत ने कोई डिसीजन दिया है अगर उसके बाद फिर कोई व्यक्ति अगर उसी बात को कर रहा है, अगर उसी कमरे में ताला लगा के रह रहा है कि उनको घर से बाहर निकाल दिया गया, तो पंचायत की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें? पंचायत का दायित्व नहीं बनता था कि अगर इन्होंने फिर से कंप्लेंट दी तो उस ताले को खुलवाया जाए? क्योंकि ये पंचायत की जिम्मेदारी थी और पुलिस प्रशासन को भी इसको पंचायत को पुलिस प्रशासन के साथ लेना चाहिए ताकि इस ताले को जो खुलवाया जाकर ये महिला कहाँ रहेगी, अपने मासा मौसी जी के घर में कितने दिन रहेगी?
तो चलिए मैं आपको वहां पे दिखाता हूँ, जो महिला का, जहाँ पे ये महिला रहती है, जिस घर को इन्होंने ताला लगाया है, उस घर को दिखाऊंगा आपको कि यहाँ से इनको क्यों निकाला गया। जो कि आपने इनकी पूरी बात सुनी, तो आप बने रहिए जीवनसा न्यूज के साथ। आप तो ये जो घर देख रहे हैं, ये महिला जो है इस घर में रहती, बाकी आप देख सकते हैं कि ये सारे कमरे जो है खुले हैं, लेकिन जिस घर में पंचायत ने जो निर्णय लिया था कि इनको जो है ये कमरा दिया गया था, आज इस कमरे का जो है यहाँ पे फिर से इन्होंने ताला लगा दिया और इनको जो है बाहर निकाल दिया घर से बाहर। तो अभी इन व्यक्ति से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि मैं जी खेतों में, तो मैंने उनसे पूछा कि आपने ये क्यों किया, तो बोलते हैं कि इनका ये कहना है कि मैं जो इस महिला को यहाँ पे नहीं रखूंगा। तो साहब ये बताइए, जब आपने अपने बेटे की शादी की तो आपने उनको पूछा था कि उनका अधिकार नहीं है क्या इन महिला का, इसका क्या गलती है कि इसको इस घर से बाहर निकाल दिया जाए? तो मैं पंचायत प्रतिनिधि से पूछना चाहता हूँ, पंचायत प्रतिनिधि से जब मैंने ये बात की तो उन्होंने कहा कि मैं अभी मीटिंग में बिजी हूँ। तो फिर दोबारा मैंने फिर कॉल की तो उन्होंने कहा कि मीटिंग में है तो हम आप फिर बाद में कॉल करें, लेकिन दूसरी बार जब कॉल की तो उन्होंने पिक नहीं की। तो देखिए यहाँ पे पंचायत का भी दायित्व बनता है, क्योंकि पंचायत के द्वारा जो निर्णय लिया गया है, चाहे महिला का कोर्ट केस चल रहा है, क्या चल रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं। अगर महिला को ये कमरा पंचायत के द्वारा दिया गया है तो ये इस महिला को यहाँ से क्यों निकाला गया? अगर फिर उसके बाद इन्होंने कंप्लेंट दी पंचायत में कि मेरे को फिर से घर से बाहर निकाल दिया गया, तो पंचायत ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई कार्रवाई नहीं की। क्योंकि ये जो मैं आपको मुद्दे पे ले आता हूँ, क्योंकि ये जो बात जो है, ये जो घर जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये प्रधान के ही घर के व्यक्ति हैं, मतलब उनके चाचा है, रिश्तेदार है, उनके ही रिश्ते रिलेटिव हैं। तो हो सकता है कि वो रिश्तेदारी की वजह से निर्णय ना ले रही हो, लेकिन पंचायत को प्रतिनिधि जो इन्हीं के द्वारा वोट डाले गए हैं, क्योंकि इनको दायित्व बनता है, जिम्मेवारी बनती है पंचायत की कि अगर उनका डिसीजन लिया गया तो वो इम्प्लीमेंट करवाना उनका काम है। तो इन्होंने ये इम्प्लीमेंट नहीं करवाया, क्योंकि पंचायत का उसका रिश्तेदारी की वजह से इसमें इन्वॉल्वमेंट ना हो। तो यहाँ पे कुछ स्थानीय व्यक्ति हैं, उनसे बात करवाएंगे, उनसे पूछेंगे इस पूरे मुद्दे के ऊपर। सर आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम है राकेश कुमार जी, बताएं जी आप इस बारे में। मैं तो हूँ रिटायर आया, मैं 24-26 साल फौज चलाई नहीं आई है जी, मुझे नहीं पता है। माता जी हमारे साथ में, इनसे बात करें जी। माता जी बताएं आप। तो यहाँ पे लड़की के पिताजी, हम उनसे बात करेंगे। सर बताएं आप अपनी बात। खुले निकल करा, बोलो बोलो आप बोलो। ये मेरे से 5 लाख रुपया मांगते हैं। कौन कौन डिमांड रखता है? ये लड़की का जो सौरा है जी, वो 5 लाख रुपया मांगता है, तथा उसकी घरवाली भी 5 लाख रुपया मांग के जाए, तभी लड़की को रखेंगे, नहीं तो ये बोलते हैं कि हम इसे जान से ही मार देंगे। अच्छा, किसने कही ये बात? ये इसका हस्बैंड बोलता है। अच्छा, पहले बोलता है कि इसने बोला कि मेरे को घर से, तो वो अपने डैडी से 5 लाख रुपया ला करके दो, हमें तभी आपको घर में रखेंगे जी। अगर तेरे को 5 लाख रुपया तेरा डैडी नहीं देगा तो हम आपको घर से प्रकाशित कर देंगे। इसके माता पिता भी यही बोलते हैं। कितने समय से इनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रहे हैं ये? ये करीब 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 2 साल हो गए, 5 साल ठीक रहे। अच्छा, उसके बाद जो है 2 साल है। 2 साल के बाद इसको ये तंग कर रहे हैं लड़की को। और इनके हस्बैंड क्या करते, काम क्या करते हैं? ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है जी। तो अभी आप क्या कहना चाहते हैं? अभी ये जो है लड़की अपना घर नहीं छोड़ना चाहती है, ये चाहती है कि मैं अपने ही घर में रहना चाहती हूँ जी, ठीक है। लेकिन ये जो है इन्होंने कमरे पे जंदा लगा रखा है जी, ये जंदा नहीं खोल रहे हैं। ये अच्छा। बोलते हैं इसका जो घर वाला है उसने आया और ये जो है इसके सास ससुर वाले जो है जंदा लगा दिया जी, और हमने इसके साथ जो है थाना में, मतलब तराई थाना में रिपोर्ट की हमने, वहाँ भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई जी। हार पार करके हमें फिर जो है जी मीडिया को बुला दिया थे जी। तो अब आप इसका निर्णय जो है खुद कर सकते हैं जी। ये आपके ससुर जी हैं तो हमारे बीच में आ गए, हम इनसे सर से बात करवाएंगे। सर बहुत बहुत स्वागत आपका जीवन स्वाद। पहले तो अपना नाम बताएं सर। मिलाप चौधरी। बताएं सर आखिर क्या कारण है कि आपने इनके घर में जो ताला लगा के, चाहे पंचायत का फैसला हुआ जी, बिल्कुल हुआ है, फिर उसके बाद महिला मोर्चा वाले बुलवाए ना जी, उसका भी फैसला हुआ। हाँ जी, चलो हमने मतलब कमरा इसको दे दिया जी।
जब मतलब अपनी मनमानी से अपनी मर्जी से ये मायके चल जा रही है जी, तो मैंने कमरा यहाँ थोड़ा भी खुला ऐसे छोड़ना है। देखिए सर, आपने कमरा दे दिया तो उसमें आपका कोई रोल नहीं रहा ना फिर, ये जहाँ मर्जी नहीं, 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 वो तो मैं मानता हूँ जी। चलो कमरा मैंने दे दिया जी, तो इसका कोर्ट केस जो लगाया है वो कोर्ट के फैसले पे ही इसका फैसला होगा कमरे का। तो देख इनकी कोर्ट केस तो बाद की बात है, कमरा दे दिया था, देता मैं इन्हें थोड़ा भी देता इन्हें देता इन्हें, जब तक तो आपने दिया इनको रहने के, इनको ऐसे नहीं मैंने दिया, ये लड़के को मतलब दिया था रहने के लिए, इसको इसको रहने नहीं मतलब आया तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मतलब लिखोया वहाँ पे जी, ये पंचायत मतलब लिखा है भी इसको मतलब रहना है तो शांति पूर्वक से रहे, नठी जाना और 12-1 बजे मतलब आ रही वहाँ से पता नहीं कहाँ से मतलब तो सुते आ छोटा जी, ऐसे मतलब कमरा मैं नहीं खोलूंगा, जो कोर्ट का डिसीजन होगा उस पे, कोर्ट का डिसीजन कमरे के लिए नहीं चला हुआ है सर, कमरे मैं नहीं खोलूंगा इसको सर, ये नहीं खोलूंगा, मेरा बनाया है, मेरे बाप ने नहीं बनाया। आप बताइए आप क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए बस, तो नहीं बोल, क्यों नहीं खुलेगा बताइए, जब आपने पंचायत में लिख के दिए हुआ है कमरे को, इसने मारा और पत्थर भी मैंने रखा है, पत्थर भी मैंने रखा है, मैंने मारे अपनी सास को, अपने फुटे अपने पागो ने सुनिए अभी मेरी आपसे बात हुई थी टेलीफोन पे, तब आपने बताया था कि ये यहाँ रहना नहीं चाहती है, कल क्या बोला इसने, कल क्या बोला इसने, तो ये बोल रही यहाँ रहना नहीं चाहती, यहाँ नहीं, मैंने लड़के के साथ जाए मैंने नहीं रखा, ऐसे पत्थर पत्थर मारने वाली मैंने नहीं रखा, बोले ऐसा कि नहीं बोला कुछ और क्या दलाया तू तेरे भी कती मेरा यहाँ पे पंचायत जो भेजी दें महाराज मारियां पहले तो पंचायत प्रतिनिधि से मेरा सवाल है कि जब आपके निर्णय दिए जाते हैं वो इम्प्लीमेंट कहाँ हो रहे हैं, तो आप किस लिए निर्णय दे रहे हैं, तो आप रिजाइन दीजिए अपनी पंचायत से, जब आपने निर्णय दिया है कि यहाँ पर जो हमारा यहाँ पे इनको दिया गया है 10 महीने रात को निकाल दिया गया, तो क्यों जिम्मेवारी है, तो मैं जिला उपायुक्त बिलासपुर आपसे निवेदन करता हूँ कि इस मामले पे आप हस्तक्षेप करें, क्योंकि ये इस तरह से महिलाओं के साथ ये जो व्यवहार हो रहा है ये कतई भी बर्दाश्त नहीं है, ये समाज में एक बहुत ही ये समाज में जो ये मैसेज आ रहा है ये बेहुदा मैसेज आ रहा है, क्योंकि ये जो इस तरह के काम किए जा रहे हैं लोगों द्वारा जो कहीं ना कहीं इसके ऊपर जो है हमारी पंचायतों के भी सवाल खड़े होते हैं, और जो लोग इस तरह की मानसिकता वाले लोग हैं उनसे भी ये समाज में मैं यही इतना ही कहना चाहता हूँ, जिला उपायुक्त महोदय SP बिलासपुर आप इस मामले में हस्तक्षेप करें, चाहे कोई भी दोषी हो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, चाहे ये महिला दोषी है चाहे ये दोषी है, क्योंकि आप आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ, ये मेरे पास इनकी फोन पे टेलीफोनी बात हुई तब भी इन्होंने कहा, तो जैसे अभी इन्होंने कहा तो ये देखिए आप देख सकते हैं इसमें ये पंचायत का निर्णय है, तो इसमें इन्होंने लिखा हुआ पंचायत ने कि ये जो डिसीजन है इसमें दिया था कि ये कमरा जो महिला को दे दिया गया, जब महिला को कमरा दे दिया तो इनमें इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, कोर्ट केस चल रहा है, कोर्ट केस अपनी जगह है, लेकिन फिर भी ये जो है यहाँ पे ये इनका साफ कहना कि यहाँ नहीं रहे, तो मैं पंचायत प्रधान से ये अनुरोध करता हूँ कि आप इस मामले हस्तक्षेप करें, और जो भी और SP उपायुक्त महोदय बिलासपुर मेरा आपसे निवेदन है, और जिला उपायुक्त बिलासपुर आपसे निवेदन है कि आप इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करें, चाहे कोई भी दोषी हो, चाहे ये महिला दोषी है चाहे ये दोषी, क्योंकि इस तरह से महिलाओं के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो ये समाज में जो है सही मैसेज नहीं जा रहा है, तो जीवन सा न्यूज के साथ आप बने रहे, इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जीवन सा न्यूज हमेशा से यही प्रयास करता है कि जो समाज में हो रही चाहे छोटी छोटी बात या कोई भी इस तरह की घटना अधिकारी प्रशासन पहुंचाने का प्रयास करता है, तो जीवन सा न्यूज के माध्यम से मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूँ इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ये जो आप ये जो मैटर देख रहे हैं इसमें जो कहीं ना कहीं आप सब लोग समझा रहे हैं कि किसकी गलती है किसकी नहीं, तो जिला उपायुक्त महोदय फिर से मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस मामले हस्तक्षेप करें, जो भी दोषी है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, तो जीवन सा न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।